Assalamu alaikum my dear students we are discussing the short story boli in the previous lecture we discussed an important question what are the major themes of boli and in today's lecture we are going to discuss one another important question of this short story that's why did boli refuse to marry the rich old man you know in the story boli who is a mentally backward child girl child <coughs> and uh, how her parents dealt with her you no know, their approach was not good with boli so, what happened at the end? Bully's teacher encouraged her. Bully's teacher did a fabulous job by encouraging her in every field. The teacher changed Bully into a masterpiece of courage and competence. We see this. वैन बोली रिफ्यूज टू मैरी अन एंड ग्रीडी पर्सन लाइक बिशंबर तो द क्वेश्चन इज वाई डिड बोली रिफ्यूज़ टू मैरी द रिच ओल्ड मैन आखिर पे उसने क्यों इनकार किया जो ये बिशंबर था जिसके साथ इसकी शादी होने वाली थी एट द एलेवंथ आवर बोली ने रिफ्यूज़ किया उसने नहीं माना कि वो उसके साथ शादी नहीं करेगी वाई क्यों बोलीज़ मैरेज हैल्ड मैन नेमड बिशंबर यू नो बोली वॉज अन्टली बैकवर्ड चाइल्ड गर्ल चाइल्ड सो दैट इज़ वाई हर मैरिज वॉज फिक्सड विथ एन ओल्ड मैन नेम बिशंबर ही कैम विथ विद बिग पार्टी टू वेड बोली तो आखिर पे एक बड़ी पार्टी लेके वो आ, आता है वेडिंग के लिए ही टुक अ गारलैंड टू पुट अराउंड बोलीज नेक उसने एक गारलेंड उठाया एक हार उठाई ताकि वो बोली बोली को पहनाए स्लिप्ड बैक बोलीज व्हील बिशंबर सा बोली फेस तो इसी तरह से इस तरह से क्या हुआ कि बोली का जो दुपट्टा था वो गिर गया तो इस इस वजह से बिशंबर ने बोली का चेहरा देखा इट हैड पोक अटैक ऑफ चिकन पॉक्स इन द चाइल्डहुड बोली हैड दी इज़ मार्क्स ऑन हर फेस तो उसके जो चेहरे पे जो दाग दबे थे तो वो अब बिशंबर ने देख लिए बिशंबर रिफ्यूज टू मैरी बोली तो इस वजह से अब बिशंबर ने इनकार किया कि मैं बोली से शादी नहीं करूँगा ही सेड ही वुड मैरी हर ऑनली इफ ही गॉट फाइव थाउजेंड रुपीज़ तो अब इसने एक कंडीशन रखी कि ही विल ऑनली मैरी बोली इफ़ ही गेट्स फाइव थाउजेंड रुपीज़ अगर उसे पाँच हज़ार रुपये दिए जाएँ तो अब तब भी वो बोली से शादी करेगा राम लाल रा, राम लाल जो कि जिस बो, बोली का फादर था राम लाल प्लेसिज हिज टर्बन एट बिशम्बर फीट बिशंबर, बिशंबर वॉज नाट मूड व्हाट हैड जो राम लाल था बोली का फादर था उसने गिड़गिड़ाया उसने अपना जो यह है, बहुत कोशिश की वो बिशंबर के सामने गिर गया उसके पैरों के पैरों पे गिर गया बट बिशंबर वाज नॉट मूड लेकिन बिशंबर टस से मस्त नहीं हुआ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा एट दिस राम लाल वेंट इन ही ओपनड हिज सेफ ही काउंटेड फाइव थाउजेंड रुपीज़ तो अब क्या करे करना था क्या होना था रामलाल जो था वो अंदर गया उसने सेब खोली और सेब से पाँच हज़ार रुपये निकाले ही कैम हाउट एंड प्लेस द बंडल एट बिशंबर फीट अब उसने बिशंबर के सामने ये पाँच हज़ार रुपये रख दिए नाउ बिशंबर लिफ्ट द गारलैंड अब बिशंबर ने उठाया गारलैंड बोली को पहनाने के लिए ही वॉन्ट टू पुट इट अराउंड बोलीज़ नेक अब वो बोली को ही पहनाना चाहता था बट बोली रिफ्यूज टू मैरी अ मैन हु आज सो मीन एंड गडी अब क्या हुआ अब उल्टा हो गए अब बोली जो है उसने इनकार किया नाउ बोली रिफ्यूज टू मैरी दिस मैन अब बोली ने इनकार किया कि वो बिशंबर से शादी नहीं करेगी वाई बिकॉज ही वॉज अ मैन हु वॉज मीन एंड ग्रीडी क्योंकि ये लालची आदमी था तो दिस इज द रीजन वाई बोली रिफ्यूज टू मैरी द रिच ओल्ड मैन क्यों बिशंब बोली ने आखिर पे बिशंबर के साथ शादी करने से इंकार किया दिस इज़ आल्सो एन इम्पोटेंट कस्चन मे बी आस्कड इन द एक्मिनेशन वी हेव ड मनी कस्शन आफ दिस स्टोरी एंड इन द कमिंग लैक्चर वो विल सी इफ दियर इज इफ एनी इम्पॉटेंट कसन इज लेफ्ट एंड वी आर गोइकस दैट आल् सो दैट इट मे बी एजी फार यू इन द एक्मिनेशन टो आंसर दीज कसनज़ थैंक यू